नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करने वाला हूं यहां पे दो सेक्टर्स के बारे में और गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छी और गुड न्यूज आती हुई दिख रही है आप सभी के लिए। अगर आपके पास इनमें से कोई स्टॉक है तो डेफिनेटली आपको इन स्टॉक्स पे नजर बना के रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो लोग मार्केट में कोशिश करते हैं कि न्यूज के दम पे पैसा कमाया जाए, उनको यहां पे एक चीज क्लियरली समझ में आ जाएगी कि आप न्यूज के दम पे पैसा नहीं बना सकते। तो इंस्टेंट ट्रेड करके पैसा बनाने की जिनमें खुजली होती है ना, हाथों में तड़प मचती है कि यार ये खबर आ गई पॉजिटिव है खरीदो, बढ़ेगा और गिर जाता है फिर यार मुझे तो लॉस हो गया, तो ये वाली सिचुएशन आपको कभी नहीं करनी है क्रिएट अपने लिए। क्योंकि मार्केट में पैसा बनाना इतना ईजी होता तो शायद हर बंदे को खबर पढ़ना आती है, लेकिन उसको ट्रेड कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आप सभी के साथ जो चीज समझाने वाला हूं वो ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको बता दूं किस किस पे खबर है। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर एक गुड न्यूज है और सेकंड है सुगर स्टॉक्स के लिए गुड न्यूज। मैं आपको बताऊं, लास्ट वीक फ्राइडे बलरामपुर चीनी बड़ा क्रैश था और सब लोग नेगेटिव थे सुगर स्टॉक्स को लेकर, प्लस एक गवर्नमेंट ने ही एक बैड न्यूज भी दी थी कि भाई जो जून में इनके लिए कैप करा गया था एक्सपोर्ट को वो अक्टूबर 31 से बढ़ा के कहीं ना कहीं 2023 तक कर दिया है। अब नेगेटिव खबर, सब लोग निराश हो गए कि भाई अब तो सुगर स्टॉक और पिटेंगे, तो ठीक है ये है वो है। और नेक्स्ट डे ही बाजार ओपन होता है जब मंडे को, तो एक गुड न्यूज आ जाती है कि सरकार कैबिनेट की मीटिंग है जहां पे एथेनॉल के प्राइसेस को बढ़ाया जा सकता है, तो एथेनॉल से रिलेटेड स्टॉक्स भागने लगे कल के सेशन में तूफानी रफ्तार में आए इस खबर के दम पर कि बढ़ाया जाएगा कैबिनेट की मीटिंग में और इसी वीक हो जाएगा ये। मैंने आपके साथ कल वीडियो भी शेयर करी थी, मुझे अच्छे से याद है। तो वहां पे आप सभी ने कल के सेशन में देखा कि शुगर स्टॉक्स में एक अच्छी और शानदार तेजी बनती हुई देखी आप सभी ने। अब आज के सेशन में अनाउंसमेंट हो गई, खूबसूरती देखो बाजार की, आज अनाउंसमेंट करी गवर्नमेंट ने और स्टॉक्स फ्लैट पड़े हैं, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो अब जो खरीदेगा क्या उसने पैसा बनाया? नहीं, लेकिन जिसने पहले से होल्ड करा था उसने अपना पैसा बचाया प्लस पैसा बनाया। तो आप जब खरीदते हो तो आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है कि भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं या फिर मैं ट्रेड कर रहा हूं। आपको न्यूज नहीं देखनी, इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ठीक है, फिर कर रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है, एक दो साल के लिए रखूंगा। ट्रेड कर रहा हूं तो प्रॉपर एसएल रखूंगा, एसएल होगा तो काट दूंगा, टारगेट होगा तो काट दूंगा, ज्यादा सोचूंगा ही नहीं, ठीक है। ये दो चीज अब आप सभी के साथ पहले खबर शेयर कर दूं। तो दोस्तों फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लिए कहीं ना कहीं गुड न्यूज आती हुई दिख रही है, जिसमें आपको दीपक फर्टिलाइजर एंड चंबल फर्टिलाइजर और कोरोमंडल इंटरनेशनल इन सारे स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर है। लेकिन चंबल फर्टिलाइजर आपको आज बड़े क्रैक दिख रहा है, बड़े लाल निशान में दिख रहा है, जिसके पीछे का रीजन है उसके Q2 के नंबर्स। बाकी तो इस स्टॉक को मैंने मॉर्निंग में भी आपके साथ शेयर करा है कि टेंशन मत लो, ये तो 350 वाला स्टॉक है, जाएगा तो आप होल्ड करिए, पैसा बनाने का मौका है आपके लिए और आप ले सकते हैं। तो 280 तक मैक्सिमम गिरावट हो सकती है, यहाँ से भी 10% और अगर गिरता है तो ड्रीम लेवल्स होंगे। एंड मैं भी पर्सनली इस स्टॉक को वहाँ पे खरीदूंगा, मैं अगर खरीदूंगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, अभी मैं होल्ड नहीं करता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ शुगर स्टॉक्स के बारे में जिसके ऊपर सरकार ने एथेनॉल के प्राइसेस को लेकर जो मैंने आपके साथ शेयर करा था, एथेनॉल के प्राइसेस बढ़ा दिए। मैंने कमोडिटी के प्राइस भी बताए थे आपको, एथेनॉल के 5% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन शुगर स्टॉक्स की बात करूं एथेनॉल रिलेटेड तो कुछ भी खास तेजी नहीं है। अगर देखें श्री रेणुका शुगर तो फ्लैट है, EID पैरी में 1.5% की तेजी है क्योंकि कोरोमंडल इंटरनेशनल भी 1.5% ऊपर हो गया, तो वो एक कहीं ना कहीं स्टेक होल्ड वाली बातचीत है। बलरामपुर चीनी 1.5% ऊपर है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग में 1% की तेजी है, बन्नारी अमन शुगर भी फ्लैट टू पॉजिटिव, दारमिया शुगर भी फ्लैट टू पॉजिटिव, द्वारिके शुगर हल्का नीचे ट्रेड कर रहा है, धामपुर शुगर फ्लैट टू पॉजिटिव 1% के साथ साथ। कहीं ना कहीं धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स, जो धामपुर शुगर का डीमर्जर होने के बाद धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स निकला था, वहां आज 7% की रैली देखने को मिल रही है। अवध शुगर 1% से थोड़ा ऊपर, उत्तम शुगर थोड़ा नेगेटिव है, अवर शुगर थोड़ा 1.5% नेगेटिव है, DCM श्रीराम ये भी एक कहीं ना कहीं बेस्ट प्ले है जो कि आपको अभी फ्लैट टू पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो आज कोई बड़ा एक्शन नहीं दिख रहा है शुगर स्टॉक्स में। तो ओवरऑल आज यहां पे रेवल गांव शुगर फार्म लिमिटेड 10% ऊपर है दोस्तों, और इसका मार्केट कैप केवल नहीं मार्केट कैप नहीं है ये प्राइस है, तो काफी बड़ा एक्शन आ रहा है, 10% की तेजी है। गायत्री शुगर्स 5% ऊपर है, तो ये कुछ छोटे स्टॉक्स हैं जो आपको काफी बड़ी रैली देते हुए दिख रहे हैं। 24 करोड़ का मार्केट कैप था उस स्टॉक का और 10% ऊपर है वो स्टॉक, तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ओवरऑल कहां पे नजर रखनी है, कौन से स्टॉक, तो बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर, EID पैरी पे भी आप नजर रख सकते हैं क्योंकि कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात पड़ जाएगी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स पे आप नजर रखिए,
बाकी एक छोटा स्टॉक है बजाज हिंदुस्तान, वो काफी समय से मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, अभी तो कोई ज्यादा एक्शन हुआ नहीं, एक बार 2400 रुपए तक जरूर गया, बट मुझे लगता है ये रखना चाहिए। बजाज ग्रुप का स्टॉक है, काफी बड़ा पैसा बना के दे सकता है, लिमिटेड पैसा लगाओ कि ठीक है मतलब ना हो जिससे सोच लो खो गया मेरा पैसा। तो ये स्टॉक से जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, तो ये थी खबर जो सरकार ने फैसला कर दिया है। होप आपको पूरी तरीके से न्यूज समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड गाइस, अगर आपने मेरा अभी तक ब्लॉग चैनल नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए देखिए, सपोर्ट दीजिए अपना, काफी ज्यादा जरूरत है उस चैनल पर आपके सपोर्ट की। थैंक यू सो मच।